जी, इंदौर ज़िले में करीब 28 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य है, जिसमें से अगर हम फर्स्ट डोज की बात करें तो करीब 23,91,000 लोगों को हमने अभी तक फर्स्ट डोज लगा चुका है, जो कि 85% है हमारे टारगेट पॉपुलेशन का। उसी प्रकार अगर हम द्वितीय डोज की बात करें तो ये 5,82,000 अभी तक डोजेस सेकेंड डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट का 24% है। आज भी वैक्सीनेशन कंटिन्यू है, ये और भी इम्प्रूव होगा, इस प्रकार हमें ये टोटल डोजेस लगाना है। ठीक। 60+ लोगों का टारगेट जो आप लोगों ने रखा था वो अचीव कर लिया है, पहला डोज कितना टारगेट था सर और सेकंड डोज भी निकला है? जी देखिए, जो हमारा टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि सबसे पहले वैक्सीनेशन हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन के बाद जो स्टार्ट हुआ था, वो हमारा 60+ के बुजुर्गों का वैक्सीनेशन हुआ था। उसका लक्ष्य जो हमारा था 3,13,046 लोगों का लक्ष्य था, जिसके अगेंस्ट हमने 3,10,000 वैक्सीनेशन अभी तक हम कर चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट से 100% अचीव कर चुके हैं। चूँकि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन काफ़ी शुरुआत से चालू हो गया था और मोबिलाइजेशन भी अच्छा देखने को मिला लोगों में, उनमें उत्साह भी था काफ़ी, ड्राइव इन भी हमारी जो फैसिलिटी थी उसके कारण भी लोगों ने आसानी से आके टीका लगवाया। यही कारण रहा कि हम इसका हमारा जो टारगेट था उसका हमने 100% अचीव किया। तो सर, ये माना जा सकता है कि प्रदेश में इंदौर ने फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो वैक्सीन की बात की जाए बुजुर्गों की, तब तक 100% वैक्सीनेटेड हैं बुजुर्ग? जी, अभी तक जो हमारा जो लक्ष्य हमें दिया गया था उसको हमने अचीव किया है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा सकता है सर? ठीक है, सेकंड अभियान में फिर गति मिली है, कितने वैक्सीन सेंटर बनाए गए और अभी तक कितने वैक्सीन लगा दिए? जी, आज वैक्सीनेशन के लिए हमने करीब 218 सेंटर पूरे ज़िले में बनाए गए थे, जिसमें कि 80,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कोविशील्ड के प्रथम और द्वितीय डोज लगाए जा रहे हैं और कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया जा रहा है। इस प्रकार ये वैक्सीनेशन अभी शाम 5 बजे तक करीब 54,000 हमने वैक्सीनेशन अभी तक कर चुके हैं। अभी वैक्सीनेशन प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, जो कि 6 बजे तक कई सेंटरों पर